मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगे माया मुपाश्रितः। आप सभी प्रिय दर्शकों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 30 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की तिथि है। सबसे पहले तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जाए, 30 को मनाई जाए, 31 को मनाई जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि शरद पूर्णिमा आपको मनानी कब है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, शरद पूर्णिमा का मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय से आप राजा की तरह जिएंगे, आपके घर में जितनी कलह कलेश हो रहा होगा वो दूर हो जाएगा, धन की प्राप्ति तो होगी ही, और साल भर तक अगली शरद पूर्णिमा तक आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा, बहुत आनंद होगा, चकाचक एक साल तक चकाचक जिएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना ग्रह क्लेश था सब शांत हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी सब बाहर हो जाएगी, धन की भी प्राप्ति होगी, आपके जो काम रुक रहे होंगे वो भी बनने लग जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। आप लोगों को बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, शरद पूर्णिमा मनानी कब है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, कोई कह रहा 30 को, कोई कह रहा 31 को, कोई कह रहा 31 को, कोई कह रहा 30 को, आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि कब मनाए, 30 को या 31 को। तो अब सुनिए, आप लोग 30 तारीख की शाम को 5:30 बजे के लगभग आ रही है पूर्णिमा तिथि। 30 तारीख की शाम को, मतलब अब आप समझ लीजिए, जब 30 तारीख को शाम को आ रही है और अगले 31 तारीख तक शाम तक रहेगी, तो शरद पूर्णिमा जो होती है वो रात्रि में ही मनाई जाती है, रात्रि में हम लोग खीर टांगते हैं, रात्रि में सब कुछ भजन संध्या पूजन जो भी होता है रात्रि में ही होता है, तो ये पूर्णिमा रात्रि की पूर्णिमा है। तो और रात्रि में पूरी कब पड़ेगी पूर्णिमा है, मतलब 30 तारीख की रात को जब शाम को स्टार्ट होगी तो पूरी 30 तारीख को रात तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और अगले दिन 31 की शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए जिस दिन पूरी रात्रि को पूर्णिमा तिथि रहेगी वो 30 तारीख की रात्रि, इसलिए आप सभी लोगों को 30 तारीख को ही शरद पूर्णिमा मनानी है। पहला कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, पूर्णिमा तिथि 30 तारीख की पूरी रात्रि को, 31 तारीख को शाम को समाप्त हो जाएगी, 31 तारीख को यदि आप शरद पूर्णिमा मनाएंगे तो वो शरद पूर्णिमा मान्य नहीं होती है, क्योंकि 31 तारीख की रात को तो तिथि नहीं मिलेगी आपको, पूर्णिमा तिथि ही नहीं मिलेगी, तो शरद पूर्णिमा कैसे मनाएंगे, अगर पूर्णिमा तिथि नहीं है फिर किस बात की शरद पूर्णिमा। आप कहेंगे उदया तिथि से आप मना सकते हैं, वो अलग बात है, पर पूर्णिमा तिथि पूरी रात्रि नहीं रहेगी तो जो चंद्रमा की रश्मियां होती हैं, जिन रश्मियों का ही तो आनंद है, रश्मियों में ही तो चमत्कार है, तो फिर कैसे आपकी वो जो खीर में आप लोग कहते हैं खीर हम टांगते हैं तो अमृत तुल्य खीर हो जाती है, वो आनंद प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सुन लीजिए, 30 तारीख की शाम को पूर्णिमा तिथि आ रही है, जो पूरी 30 तारीख की रात्रि भर पूर्णिमा तिथि रहेगी, अगले दिन 31 की शाम तक रहेगी। इसलिए मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग 30 तारीख की रात्रि को ही शरद पूर्णिमा मनाएं। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपका साल भर तक जीवन आनंद से भरा हो जाएगा, जो काम आप रुक रहे होंगे पूर्ण हो जाएंगे, ग्रह क्लेश दूर हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, धन भी आएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, समाज में आनंद भी होगा, सब कुछ आपको होगा, घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर लूं कि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए कि जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप तुरंत वीडियो को सबसे पहले देख सकें और उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधव फ्रेंड्स को रिश्तेदारों को शेयर करिए। अब आप सुनिए आपको उपाय करना क्या है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप क्या करना है, सबसे शाम को ही तैयारी कर लीजिए, एक कांच की आपको शीशी लेनी है, एक कांच की शीशी लीजिए और कांच की शीशी में आप जल भर दीजिए, यदि गंगा जल हो तो अति उत्तम है, बहुत उत्तम रहेगा, गंगा जल हो तो अति उत्तम है, नहीं तो गंगा जल नहीं हो तो आरओ वाटर, जो बड़े शुद्ध वाटर हो, शुद्ध जल हो, उसको भरिए, ठीक है, और कांच और उसके अंदर अब एक चीज होती है, आपने जल भर दिया, आप क्या करना है, कोई भी चांदी की धातु आपके पास हो तो वो डाल दीजिए, अगर चांदी की धातु नहीं है तो सबसे अच्छा रहेगा चांदी का सिक्का, इसमें लक्ष्मी जी बनी हुई, ये ध्यान रखिए, वो वाला चांदी का सिक्का यदि आपके पास है जिसमें लक्ष्मी जी बनी है तो अति उत्तम रहेगा। कांच का थोड़ा जो मुंह हो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऊपर से कोई चार सिक्का डालेंगे, कोई भी चांदी की वस्तु डालेंगे तो उसमें अंदर चली जाए, वो चांदी का सिक्का या कोई भी धातु आपको डाल देनी है कांच की शीशी में और उसको ऊपर से कसके बंद कर देना, बिल्कुल कसके बंद कर देना, आपको बढ़िया एयर टाइट जैसे बोलते हैं ऐसे आपको बंद कर देना है,
अब आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि को उस बोतल को छत में ऐसी जगह रखना है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह रखना है छत में कि रात्रि भर चंद्रमा की जो रश्मि है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो चमत्कारिक किरणें होती है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि हम क्यों मनाते हैं? कन्हैया जी ने इस रात्रि को राश किया था गोपियों के साथ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावने वृंदावन। अरे रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है। उस दिन महारास रचाया था कन्हैया जी ने अपनी गोपियों के संग, राधा रानी जी के संग। ये महाराष्ट्र की रात्रि है तो इससे जो चंद्रमा की रश्मि होती है अद्भुत अलौकिक चमत्कारिक परिणाम होती है रश्मियों के। तो आपको छत में ऐसी जगह बोतल रखनी है कि छत में, क्योंकि चंद्रमा तो भ्रमण करते हैं रात्रि भर, तो चंद्रमा यदि भ्रमण भी करें फिर भी उनकी रश्मियां जो उनकी किरणें हैं उस बोतल के जल में लगती रहे। ऐसा नहीं कि चंद्रमा ने भ्रमण किया और आपने बोतल ऐसे एंगल पर रखी है कि ऐसे चंद्रमा हुआ तो रश्मि की किरणें ही नहीं लग रही है, ऐसे नहीं करना। तो ऐसी खुली जगह में आप बोतल रख के देख लीजिए कि चंद्रमा यदि भ्रमण भी करते हैं तो जो भ्रमण करते हैं तो उसकी रश्मियां आपकी बोतल में लगती है, ठीक है। अब आपको करना क्या, रात्रि निकल जाने दीजिए, रात्रि के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे आपको छत पर जाना है। ध्यान रखिए छत पर आपको जाना है, ध्यान रखिए कि सूरज निकलने से पहले वो बोतल आपको ले आनी है। यदि सूरज निकल आया और सूरज की एक भी किरण उस बोतल में पड़ गई तो आपका उपाय फिर बेकार हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, सूरज की एक भी किरण यदि बोतल पर पड़ गई तो आपका उपाय बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या, सूरज निकलने से ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे तक आप छत में जाइए, हाथ जोड़िए चंद्रमा के और बोतल को अपने सिर से लगाइए और बोतल को लेके आ जाइए नीचे। आपको करना क्या है, इसके बाद नहाइए धोइए, अपना जो नित्य कर्म आप करते हैं पूजा पाठ वो करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो जल था वो खोलिए, उसे ताम्र पात्र होगा उसमें थोड़ा जल भर लीजिए, ताम्र पात्र जल भर के उस बोतल का जो जल था उसका जल थोड़ा ताम्र पात्र में डालिए। और सबको जो भी आपके घर में जितने भी लोग हैं या फिर जो आपके घर में ज्यादा ग्रह क्लेश करता हो, ज्यादा चिड़चिड़ाता हो, जिसको ज्यादा बार बार रोग लगते हो, पीड़ित हो, उनको तो आप जल आपको देने ही देना है, सबको थोड़ा थोड़ा जल आपको पीने को देना, सबको जितने ही परिवार लोग हैं सबको, पर थोड़ी थोड़ा देना। इसलिए आपसे मैंने कहा है कि एक पात्र में पहले जल ले लेना, उसमें थोड़ा जल मिला देना, ये बढ़िया रहेगा। ये आपने पहला प्रयोग कर दिया, इससे क्या होगा, जितना भी ग्रह क्लेश जो करता होगा उसकी बुद्धि शांत हो जाएगी, जो ज्यादा गुस्सा करता होगा उसका मन शांत हो जाएगा, इसको ज्यादा बीमारी रहती होगी उसकी बीमारियों में अनुकूलता मिलेगी, ये ऐसा फायदा होगा। अब दूसरा क्या करना है आपको कि एक पात्र में आपको जल ले लेना, उसमें एक बोतल का जल थोड़ा सा और डाल लीजिए आप। उस पात्र को लेकर के आपको जाना है पीपल के वृक्ष, अगले दिन पीपल के वृक्ष में जाना है आपको सुबह, बढ़िया पीपल के वृक्ष में जाइए और पीपल के वृक्ष की पहले पूजा करिए, अक्षत से रोली से चंदन से धूप दीप करिए, उनमें जल चढ़ाइए और पूजा करिए, परमा लगा के प्रार्थना करिए। तो जितने भी पीपल देवता के सात्विक गुण हैं, जितने भी सात्विक गुण हैं वो सारे गुण आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपके घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी, जितना ग्रह कलेश दोष, जितनी भी रुकावटें आपकी समस्याएं, जितनी भी जो कुछ आपको समस्या आ रही है वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये दूसरा आपको फायदा, ऐसा करके फिर आपको घर में आ जाना है और उस जल को यदि आप चाहें तो साल भर तक संभाल कर रख सकते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा जल आप सभी लोग पीते रहिए, आपके लिए वो अमृत रूपी, क्योंकि जल नहीं रह गया पर वो अमृत बन गया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो किरणें पड़ती हैं वो अमृत बना देती है उस जल को। तो अमृत रूपी जल को आप रखे रहिए साल भर तक संभाल कर रखिए। इसलिए मैंने कहा गंगा जल लीजिए, गंगा जल रहेगा तो साल भर तक अनुकूल बना रहेगा, साल भर तक आप उस जल को ले सकते हैं। इससे आपके घर में कोई ग्रह क्लेश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आनंद की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग पूर्ण सद्भाव से, पूर्ण विश्वास से उपाय करिए। एक बार आप सभी लोगों को फिर से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ सदैव निरंतर रहती हैं। आप लोग प्रेम से उपाय करिए, आनंद से उपाय करिए और अपने जीवन को आनंद मंगल बनाए। राधे।